आज हम क्रोशे की माला बनाना सीखेंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बिगनर्स इसे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने में मैंने सिंपल स्टिचेस का यूज करके सिखाया है। तो ये देखिए, ओरिजिनल लुक आता है जब ये बन के तैयार होती है, और हाथ में लेने में भी फीलिंग वैसी ही आती है जैसे आप असली माला को छू रहे हों। फरिश्ता क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इस माला को बनाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होगी। यहाँ मैंने 3 कलर के यार्न लिए हैं। ये मैंने ओसवाल का यार्न लिया है, और ये मैंने केटीसी क्लासिक कैशमिलॉन यार्न लिया है, और एक मैंने ब्लिस कॉटन का थ्रेड लिया है। 2 क्रोचेट हुक यूज किए हैं मैंने अलग अलग साइज के, एक 2.5 और एक 3 mm का यूज किया है। एक सीजर्स हमें चाहिए रहेगी। कुछ मैंने यहाँ पर बीड्स लिए हैं, ये बेल शेप है, और 2-3 बीड्स हमें ऐसे राउंड शेप चाहिए रहेंगे। एक टैपस्ट्री निडल स्वेटर सिलने वाली सुई का यूज किया है, जिनकी आवश्यकता हमें आगे पड़ेगी। तो मैं कैशमिलॉन वूल का यूज करते हुए सबसे पहले स्लिप नॉट बनाऊंगी। राउंड 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। स्लिप नॉट बनाने के बाद यहाँ मैं चेन बनाऊंगी 6, और पहली वाली चेन में क्रोचेट हुक को एंटर करते हुए एक स्लिप स्टिच बना लूंगी, जिससे एक मैजिक रिंग बन जाएगी। मैजिक रिंग बनने के बाद यहाँ हम 3 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। क्रोचेट हुक में 3 लूप्स हो गए, यार्न ओवर करके 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे, और इस प्रकार 4 डबल क्रोशिया और करेंगे। तो एक चेन आपका 1 डबल क्रोशिया काउंट होगी और 4 डबल क्रोशिया, तो टोटल आपके 5 डबल क्रोशिया इस मैजिक रिंग में बनेंगे। और लूप को ऐसे ढीला छोड़ते हुए क्रोचेट हुक को सबसे पहली वाली चेन के अंदर एंटर करेंगे, घुसाएंगे, और पीछे से पहले वाले लूप को निकाल लेंगे, जिससे एक पफ स्टिच बन जाएगी। फिर चेन 1 करेंगे और सेम 5 डीसी बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे मैजिक रिंग में। पांच डबल क्रोशिया बनने के बाद पहले वाला लूप को लूज छोड़ना है, और सबसे पहले वाला जो पीछे वाला लूप है उसमें क्रोचेट हुक को एंटर करना है, और जो लूज छोड़ा लूप है उन दोनों को निकाल लेना है दूसरे के बीच में से स्लिप स्टिच करते हुए। फिर एक चेन बनानी है और मैजिक रिंग में फिर से एक इस तरह से पफ बनाना है। तो मैजिक रिंग में कुल 5 पफ आपको बनाने हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं, या आप आए तो हुए हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे टाइम से मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे और आप सबसे पहले मेरे नए वीडियो को वॉच कर पाएंगे। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को, शॉर्ट्स को शेयर भी करा करें, जिससे उन्हें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे अपने स्टाइल की नई आइटम्स बनाना सिखाती हूँ। और मेरे को फीडबैक भी दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं नया वो भी बताया करें, और आपने क्या क्या बनाया मेरे चैनल को देखते हुए ये भी शेयर करा करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। या आप फेसबुक और इंस्टा पे हैं तो वहां पर भी जरूर मेरे द्वारा बनाई गई आइटम शेयर करा करें और मुझे टैग किया करें। तो ये देखिए, हमारी 5 पफ स्टिच बनके रेडी हैं। अब हम सबसे पहले वाली पफ स्टिच में जाएंगे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे। तो यहाँ हमारा पहला राउंड
कंप्लीट होता है और टेल यार्न को खींच लेंगे जिससे मैजिक सर्कल थोड़ा सा टाइट हो जाए। अब हम सेकंड राउंड की शुरुआत करेंगे। 3 चेन बनाएंगे और नीचे जो चेन स्पेस है, एक जो हमने चेन बनाई थी वो जो स्पेस है उसका, उसमें जाएंगे और 4 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, टोटल 5 बनेंगे। एक चेन आपकी 1 डबल क्रोशिया काउंट होगी और 4 डबल क्रोशिया बनेंगे तो टोटल 5 डबल क्रोशिया आपके यहाँ बनेंगे। और फिर हम पहले वाले लूप को लूज छोड़ेंगे और सबसे स्टार्टिंग वाले लूप में क्रोचेट हुक को एंटर करेंगे, फिर दोनों लूप को क्रोचेट हुक में लेते हुए एक स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर जो चेन स्पेस है वहां पर जाके हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो एरो के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूं, पांच डबल क्रोशिया जब आपके बन जाएंगे तो फिर आप यहां पर पफ स्टिच बना लेंगे। इस प्रकार सेकंड राउंड में आपको 5 पफ स्टिच बनानी है हर नीचे वाली चेन स्पेस में जाके। यहाँ हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट होता है और लास्ट में हम स्लिप स्टिच कर देंगे, तो 2 राउंड हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। फिर 3 चेन बनाएंगे और नीचे वाली जो चेन बनाई है हमने उसमें जाके फिर हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे, तो 1 चेन और 4 डबल क्रोशिया आपके 5 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। यहाँ पर हम तीसरे राउंड की पहली पफ स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट नीचे वाली चेन स्पेस में जाएंगे और फिर पफ स्टिच बनाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना लंबा सफेद वाला भाग रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप उसको लंबाई देंगे। यहां मैं 5 बार पफ स्टिच के राउंड्स बनाऊंगी। ये चेन स्पेस आशा करती हूँ आपको दिख रही होंगी कैमरे के थ्रू। तो इस प्रकार मैं 5 राउंड बना के मिलती हूँ आपसे। ये देखिए, यहाँ पर तो मैंने काफी ज्यादा बनाई है लेकिन मैं छोटी माला बना रही हूँ माता रानी के लिए, तो मैं यहाँ 5 राउंड अपने कंप्लीट करूंगी पफ स्टिच के व्हाइट कलर से।
और एक चेन बनाते हुए एक्स्ट्रा यार्न को मैं सीजर से कट कर दूंगी। अब हम ब्लिस कॉटन ग्रीन कलर का यूज करते हुए एक स्लिप नॉट बनाएंगे। क्रोचेट हुक को चेन स्पेस में एंटर करेंगे और जो हमने स्लिप नॉट बनाई है उसको पीछे से आगे की ओर लाएंगे हुक के थ्रू, और यहां पर हम तीन चेन बनाएंगे जो एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, और फिर नीचे वाली चेन स्पेस में चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल आपके यहाँ पांच डबल क्रोशिया बन गए। अब पहले वाली लूप को थोड़ा लूज छोड़ेंगे और लास्ट वाले लूप में जाएंगे और दोनों लूप को स्लिप स्टिच कर देंगे जो एक पफ स्टिच बन जाएगी, जैसे हमने सफेद कलर से बनाई है। फिर एक चेन बनाते हुए नीचे वाली चेन स्पेस में जाएंगे और फिर एक पफ स्टिच बनाएंगे, पांच बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चार पांच। थोड़ा सा लूप को लूज छोड़ेंगे, पीछे वाले चेन के लूप में जाएंगे और दोनों लूप को स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नीचे वाली चेन स्पेस में जाके फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ भी पांच बार पफ स्टिच बनाएंगे राउंड में। ये सिक्स्थ राउंड है हमारा। लास्ट वाली पफ स्टिच बनाते हुए अपने छठे राउंड को हम पूरा करेंगे। ये पफ स्टिच बन गई लास्ट की, और एक चेन बनाएंगे और पहले वाले पफ में उसे एंटर करेंगे और यार्न ओवर करते हुए अभी हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। अब देखिए मैंने दो लूप्स हुक में छोड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ पर रेड कलर का यूज करूंगी बिना स्लिप नॉट बनाए हुए। हम यहाँ पर ऐसे उंगली में यार्न को लपेटेंगे और क्रोचेट हुक से दो लूप्स के अंदर से पास कर देंगे। तो ये आपका लाल कलर यहाँ पर अटैच हो गया। अब ग्रीन वाला जो आपका थ्रेड है उसको साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ हमने स्लिप स्टिच नहीं बनाई, तो लाल और ग्रीन थ्रेड को हम साथ लेके चलेंगे मजबूती के तौर पे बुनाई में। तो वही तीन चेन बना के चार बार डीसी डबल क्रोशिया करेंगे नीचे वाले चेन स्पेस में और एक पफ स्टिच बनाएंगे। यहां मैंने क्रोचेट हुक चेंज किया है। कम नंबर के हुक का इस्तेमाल किया है। पफ स्टिच के बाद एक चेन बना ली मैंने। अब नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में जाएंगे और फिर से पफ स्टिच बनाएंगे, और इस प्रकार प्रत्येक चेन स्पेस में जाते हुए पांच बार पफ स्टिच बनाते हुए हम अपने सातवें राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत आसान है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। माला बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। और एक इंटरेस्टिंग बात भी आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए,
लाल कलर से हमने, लाल रंग से हमने पफ बना ली। ये देखिए इंटरेस्टिंग बात जो मैं कह रही थी ना, क्रोचेट हुक कैसे एंटर हो गया, ये होल है, इसमें आप आराम से सुई पिरो सकते हैं। और बैक का स्ट्रैप बनाएंगे अगर आप, तो बहुत शानदार लगेगा। आप में से जो बैग बनाते हैं वो इस एक बार बैग का स्ट्रैप जरूर ट्राई करिएगा और मेरे को टैग जरूर करिएगा। बहुत अच्छा आइडिया है, मैंने भी कई बैग्स पे ट्राई किया है। तो ये देखिए यहां पर मैंने एक्स्ट्रा यार्न कट कर दिया है और नया व्हाइट कलर यूज किया है, वही रिपीट करना है हमें। तीन चेन बनाते हुए नीचे वाले चेन स्पेस में चार बार डबल क्रोशिया और टोटल आपके पांच डबल क्रोशिया एक चेन को मिला के, और फिर पफ स्टिच बना देंगे। पहले वाले लूप को आखिरी वाले लूप में से निकाल के स्लिप स्टिच करते हुए एक पफ स्टिच बनेगी। तो इस प्रकार ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पतले वाले क्रोशिया का यूज तो कर लिया एक बार, लेकिन नहीं, मेरे को मोटा वाला क्रोशिया यूज करना है क्योंकि मेरा कैश मिलॉन जो वूल है वो थोड़ा सा मोटा है, और जो रेड कलर का मेरा यार्न था वो थिन था, पतला था, इसलिए मैंने कम नंबर के हुक का यूज किया। अब मैं यहाँ पर मोटा वाला क्रोशिया चलाऊंगी, 3 mm वाला। तो ये जो बचे हुए धागे हैं इनको अपनी बुनाई में लेके चलें, जिससे ये सफाई से बुनाई में एडजस्ट हो जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं देंगे आगे, जहां तक हो सके थोड़ा बहुत लेके चलें। तो ये देखिए दो इस प्रकार के मैंने अलग अलग राउंड्स रेडी कर लिए हैं, इक्वल इक्वल। अब मैं ग्रीन कलर का यूज करते हुए ब्लिस कॉटन का लीफ बनाना बताऊंगी आपको। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे, स्लिप नॉट बनाने के बाद 12 चेन बनाएंगे, बारह चेन बन चुकी हैं। आगे वाली दो चेन को स्किप करके तीसरी वाली चेन में क्रोचेट हुक को यार्न ओवर करते हुए एंटर करेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ आपके हुक में तीन लूप्स हो जाएंगे और तीनों को एक साथ यार्न ओवर करते हुए निकाल देंगे, तो ये हाफ डबल क्रोशिया स्टिच कहलाती है। इस प्रकार आपने आगे की सारी नीचे वाली चेन जो है उसमें हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनानी है, और पहले रो को आपने कंप्लीट करना है। हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, स्लिप नॉट, ये सब बेसिक स्टिचेस हैं फ्रेंड्स। इन सब का वीडियो मैं अपने पहले वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। ये देखिए इस प्रकार से हाफ डबल क्रोशिया की रो कंप्लीट हो गई। अब हम एक चेन बनाएंगे और दूसरी साइड हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। सेकेंड रो बन रही है ये हमारी लीफ की। यहां पर हमें आगे की 8 नीचे वाली स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशिया करना है। लास्ट में दो चेन बनाएंगे और अपने वर्क को हम टर्न कर लेंगे और सेम नीचे वाले स्टिच में जाके एक स्लिप स्टिच कर देंगे, और फिर आगे वाले नेक्स्ट 6 नीचे की स्टिचेस में हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। एक चेन बनाएंगे और फिर सेम में हम
एक बार और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस प्रकार आगे की स्टिचेस में हमें 8 बार 8 डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पर भी 2 चेन बनाएंगे और अपने वर्क को हम पलट लेंगे और सेम नीचे वाली स्टिच में क्रोचेट हुक एंटर करके स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम आगे की 7 नीचे वाली स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट में फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 बार। फिर 2 चेन बनाएंगे, अपने काम को पलटेंगे और नीचे वाले सेम स्टिच में एक स्लिप स्टिच कर देंगे और आगे की नेक्स्ट 5 नीचे वाली स्टिचेस में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे और फिर आगे की नीचे वाली 4 स्टिचेस में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहां 2 चेन बनाएंगे, अपने काम को पलटेंगे और सेम नीचे वाली स्टिच में जाके एक स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर नीचे वाली जो स्टिचेस हैं उसमें हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ और एक चेन बनाएंगे और एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको कट कर देंगे यहाँ पर। तो ये आपकी एक लीफ बनके तैयार हो गई। ये देखिए लीफ कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी आपको, बहुत ही सुंदर लगती है बनने के बाद। एक्स्ट्रा बचे हुए थ्रेड्स को हम एडजस्ट कर लेंगे बैक साइड में। अब हम फ्लावर बनाएंगे रेड कलर का यूज करते हुए। स्लिप नॉट बनाएंगे और 7 चेन बनाएंगे। पहली वाली चेन में जाके स्लिप स्टिच कर देंगे जिससे आपका एक मैजिक रिंग तैयार हो जाएगा। फिर 3 बार चेन बनाएंगे और मैजिक रिंग में अब हम 3 बार डीसी बनाएंगे। 1 2 3 2 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। इस प्रकार सेम स्टिचेस का यूज करते हुए आगे की 2 पेटल आपने इसी प्रकार बनानी है। फ्रेंड्स, जो बेसिक स्टिचेस मैं आपको बता रही हूँ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने ये स्टिचेस को कर लिया तो आप क्रोशिया की सिंपल से सिंपल आइटम आसानी से बना सकते हैं।
तो यहाँ मैंने स्लिप स्टिच कर दी, मेरी 3 पेटल्स बनके फ्लावर की रेडी है। अब मैं यहाँ पर 4 बार चेन बनाऊंगी। पहले मैजिक सर्कल को एक बार टाइट कर लेंगे। जो सबसे पहले वाली हमने पेटल बनाई थी उसके जो 2 चेन बनाई हैं उसमें जाके हमें इस प्रकार स्लिप स्टिच करनी है। फिर हमने 4 चेन बनानी है और सबसे पहले वाली पेटल में जाके हमें इस प्रकार स्लिप स्टिच करनी है। तो ये आपके नीचे का चेन पार्ट बन के रेडी हो रहा है जिसके अंदर हमें भराव करना है। इन नीचे वाली चेन स्पेस में हमें फिर से 3 पंखुड़ियां पेटल्स बनाने हैं। अब यहाँ पर एक बार चेन में क्रोचेट हुक एंटर करते हुए स्लिप स्टिच कर दीजिए जिससे काम आपका पक्का हो जाएगा। और यहाँ पर 2 चेन बनाने के बाद सेम नीचे वाला जो चेन बना हुआ है उसमें आपको 2 बार डबल क्रोशिया करना है और 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। ट्रिपल क्रोशिया के लिए क्रोचेट हुक में आपको ऐसे 2 बार बल देना है धागे का और यार्न ओवर करते हुए 2-2 के पेयर से 3 बार आपको क्रोचेट हुक को निकालना है। फिर 2 बार डबल क्रोशिया करना है और फिर 2 चेन बना के सेम नीचे वाली चेन स्पेस में आपको एक स्लिप स्टिच कर देनी है। तो ये आपका एक पेटल बन गया। फिर से देखिए, स्लिप स्टिच करेंगे पहले, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर नीचे वाले चेन स्पेस में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1-2, और अब 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ट्रिपल क्रोशिया, ये 2 ट्रिपल क्रोशिया और फिर 2 बार डबल क्रोशिया और 2 चेन बना के सेम नीचे वाली चेन स्पेस में स्लिप स्टिच कर देंगे। इस प्रकार आपको तीसरी पेटल बनानी है। स्लिप स्टिच करके 2 चेन बनाएंगे, 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। और फिर 2 चेन बना के स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाएंगे और एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे और बाकी बचे हुए यार्न को पीछे की साइड एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत प्यारा सा एक सुंदर सा फूल बन के तैयार है ये आपका। अब व्हाइट कलर का यार्न लेंगे और उसमें सुई धागे की हेल्प से मोती को पिरोएंगे, इस प्रकार जिस प्रकार मैं पिरो रही हूं। थोड़ा ध्यान से देखें, ट्रिकी है ये। और ऐसे धागा हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा छोड़ देंगे अंदाज से। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे और अब हम धागे को ऐसे 2 बार लपेटेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और एक नॉट लगा लेंगे। एक बार और नॉट लगा लें आप चाहें तो, जिससे जो मोती का होल है उसमें से ये निकलेगा नहीं। और एक्स्ट्रा धागे को यहाँ हम कट कर देंगे। मोती नीचे की साइड ऐसे लटकन की तरह लटकेंगे। अब आप व्हाइट वाले यार्न को इस प्रकार फिंगर में लपेटते हुए, इंडेक्स फिंगर में लेफ्ट हैंड की, और राइट हैंड से आप अपना काम करेंगे।
सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। एक दो बार धागे को रख के देख लें, जहां आपको इजी लगे वहां से आपने एक स्लिप नॉट बनानी है। और फिर यहां हम चार चेन बना लेंगे। चेन बनाने के बाद सेम नीचे वाली पहली वाली जो चेन है उसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक, ये दो और ये तीन, तो ये आपके चार डबल क्रोशिया बन गए टोटल एक चेन को काउंट करते हुए। और फिर से आपको यहाँ पर पहली वाली चेन में जाके दोनों लूप्स को निकालते हुए स्लिप स्टिच करते हुए एक पफ बना लेना है। फिर तीन बार चेन बनानी है और पफ के सेंटर में जाके आपको तीन बार डबल क्रोशिया करना है। ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया और यहां भी एक पफ स्टिच बना लेनी है। अब चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः, छः चेन बना के ऐसे आपको धागे को एक्स्ट्रा छोड़ देना है। धागे को यहाँ पर हम कट नहीं करेंगे। अब हम रेड कलर से सेम ऐसे ही बनाएंगे एक और यहाँ मैं फेविकॉल लेके एलिफिक्स का यूज करते हुए बीट को फ्लावर के सेंटर में लगाऊंगी। जो हमने फूल बनाया था उसके बीचों बीच हमें ये मोती लगाना है। ये फेविकॉल स्पेशली थ्रेड्स और यार्न के लिए होता है। बहुत अच्छा एडहेसिव है ये। तो इस प्रकार हमने सेंटर में मोती लगा दिया और इसको थोड़ा सा सूखने के लिए रख देते हैं, जब तक हम अपना दूसरा काम करते हैं। तो ये देखिए, दो मैंने जो इक्वल पार्ट्स तैयार किए हैं माला के, उसको मैं रख दूंगी और सुई में धागा डालते हुए जो हमने बीट्स पिरोए हैं उसको हमें लेना है। और जो मैंने आपको एक मैजिक बताया था, क्या बताया था मैजिक, इसमें होल्स होते हैं जिसका यूज आप बैक स्ट्रिप्स में कर सकते हैं। बैक के जो स्ट्रैप बनाएंगे आप, बैक के स्ट्रैप बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें फ्लावर के जो पहला वाला पेटल है उसमें जाना है, सुई को उसमें से निकाल लेना है और दूसरे वाले पेटल का जो पहला वाला पार्ट है उसमें से ऐसे निकाल लेना है। धागा मैचिंग है, आप पता नहीं लग पाएगा। इस प्रकार लटकन एक लग गई आपकी। अब आप जो आपने पत्ती बना के रखी है उसको सिलेंगे। इस प्रकार धागे को, सुई धागे को निकालना है, सीधी साइड और उल्टी साइड का ध्यान रखें। इस प्रकार लगेगी ये पत्ती और एक बार नीचे वाले डीसी में से एक बार और निकाल लेंगे, जिससे हमारी नीचे की पत्ती मजबूत हो जाएगी। मजबूती का ख्याल जरूर रखें, नहीं तो कभी आप माला धोएंगे इन फ्यूचर और कच्चा आपने टांका लगाया होगा तो पत्ती निकल भी सकती है। तो मजबूती से सिलाई करें और ध्यान से करें, फिनिशिंग आनी चाहिए। तो अब सुई धागे को इस प्रकार से हम माला में पिरो देंगे। ये हमारी एक साइड का माला में धागा पिरो दिया मैंने। जो एक्स्ट्रा बचा हुआ धागा है उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब सुई को धागे में से निकाल लेंगे और जो हमने सफेद कलर का लटकन तैयार किया है उसमें सुई में धागा पिरोते हुए दूसरे वाले माला के होल में से उसको पास करेंगे। डायरेक्शन पहले देख लीजिए, गलत नहीं लगनी चाहिए। नीचे मैंने पांच बार पफ स्टिच बनाई थी और ऊपर तीन बार बनाई है मैंने, तो डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए पहले तो हम जिसमें हमने लटकन पिरोई है उसी में हमें व्हाइट वाली लटकन को पिरोना है फूल में से। और फिर सुई धागे को हम
जो हमारा माला का पार्ट बना हुआ है, उसमें से पास करना है। देखिए इस प्रकार करेंगे, तो ये आपकी माला लगभग तैयार है। लेकिन जो आपके ये जो आपने बड़े वाले पार्ट्स रेडी किए हैं, 5 पफ वाले, इसको हमें सिलना है। अब सुई में धागा डालेंगे सफेद रंग का, और जो बड़े वाले हमने पार्ट्स रेडी किए हैं पफ स्टिच के, उन दोनों को सिल लेंगे, जिससे माला नीचे से आपकी ज्वाइंट हो जाएगी। एक एक पफ स्टिच में से सुई धागे को निकालना है, एक ही पफ स्टिच में से निकालें, 3-4 बार निकालें, जिससे मजबूती आ जाएगी। इन फ्यूचर अगर आप माला को वॉश करेंगे तो वो खुलेगी नहीं। नीचे वाली लटकन का ध्यान रख के चले, वो कभी कभी फंस भी जाती है। एक बार नॉट लगा लीजिए। अब हम यार्न को यहां पर होल में से सुई के थ्रू पास करेंगे। तो ये देखिए माला पिरो दी है मैंने धागे में, और अब मैं यहां एक सेंटर में मोती लगाऊंगी। टैपस्ट्री नीडल की हेल्प से लगाएं। सुई में धागा किस प्रकार डालते हैं ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अदरवाइज सुई में धागा डालना बहुत मुश्किल है। तो ये देखिए मोती में पिरो चुकी हूँ, और ऐसे में हाफ नॉट लगा दूंगी, एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देंगे, माला हमारी तैयार है। ये मैंने माता रानी के लिए छोटी सी माला बनाई है, मेरी माता रानी का साइज छोटा सा है। ये देखिए मेरी प्यारी प्यारी माता रानी, जय माता दी। अब ये माला मैं अपनी माता रानी को पहनाऊंगी। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर भाई, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। ये नहीं कि मेरी माला है इसलिए मैं तारीफ कर रही हूँ, मुझे लगी इतनी सुंदर रही है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि ये मैंने बनाई है। यहाँ मैं माता रानी को चुनरी उड़ा रही हूँ। देखिए माता रानी की सुंदरता और भी निखर आई है। तो आप भी इस प्रकार माला बनाएं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फरिश्ता क्राफ्ट।